Hey guys, good morning. हम लोग आए हैं आज खेत में और हम लोग अपने दादा दादी का हेल्प करने के लिए आए हैं. मुझे नहीं लगता कि हम लोग हेल्प करेंगे, हम सारा काम बिगाड़ के रख देंगे. गाइस फुल ऑन मूड में हैं, आज हम खेत में काम करेंगे. कुछ आता वाता है नहीं, फिर भी हम आ चुके हैं काम करने के लिए. और हम है ना अपने हाथ में ये गतान लेके जा रहे हैं. अभी हमको पता चला कि ये गतान है और देख रहे हो कितना कॉन्फिडेंस है खेत में काम करने का. और इस वाले खेत में हमसे चला नहीं जा रहा और ये वाला खेत जला रखा है, हम कहाँ से जाए. वही तो, चलना तो आ नहीं रहा है और आए हैं खेत में काम करने के लिए. पता है हम कल भी खेत में आए थे अपने दादा के साथ, पर हमने ना कल कुछ हेल्प नहीं करवाई थी उनकी. क्या काम करेंगे हम लोग खेत में जाके. अरे बाबा ने ना सारा धान जो है ना, हाँ, वो मतलब बांध बांध के रख रहे हैं बाबा. हाँ, हमको है ना सिर्फ इस रसरी में बांधना है, अपने माथे पे लेना है. हाँ, और घर तक पहुंचाना है, बस यही काम है. अच्छा, और है ना गाइज एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, खेत में हमें अनाज के साथ साथ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है. जो हम नहीं बताएंगे क्या मिल रहा है ना. और शहर को तो सिर्फ इशारा ही काफी होता है, तो आप समझ जाओ कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. रोज शाम को लोग यहाँ पे आते हैं गाइस, रोज शाम को. शाम को क्या, सुबह भी आते हैं. हमारे दादाजी आपको दिख रहे होंगे, उधर तक हमें जाना है इस खेत से. और भैया आगे आगे जा रहा है, मैं पीछे हूँ और सबसे पीछे पापा है. देखिए खेत में जाते ही खुशबू जो है वो धान जो दादा ने काट कर रखा था उसको है ना छोटे छोटे भाग में इकट्ठा करके है ना बांध रही थी. बिहारी भाषा में बोले तो मतलब पुला बना रही थी ताकि है ना धान जो है वो आसानी से निकल जाए, मतलब पीटने पे. कितना ले लो? चल बांध. गुड गुड. तू जितना बनाएगी ना वो सब मैं उठाऊंगा, ठीक है? क्योंकि वो छोटे छोटे होंगे. इतना ले लो, ले लो ना ऐसे गोल गोल टाइट करना और ऐसे कर इसको. अब यहाँ पे बांधने का, यहाँ पे ऐसे नहीं तो हमरा से ना हो पाए. फीट करना होता है ना, मतलब फीट करके ओकरा बाद निकल. आप ही कर दीजिए, हम सिर्फ उठा उठा के ले जाएंगे, ठीक है? हो गया. ढेर सारा पुला जो है वो बनाने के बाद हमने है ना एक गतान के ऊपर ना सारे पुले को रख दिया और उसको है ना बांध दिया ताकि है ना उठाने में ना आसानी रहे. प्लीज यार आप लोग मेरे पे हंसना मत, क्योंकि मैं है ना बचपन से ही है ना शहर में रहा हूँ और ये सब सीखने की मतलब मेरी इच्छा थी, इसलिए कर रहा हूँ. गाइस इधर भैया ने है ना अपने माथे पे रखा है बोझा. यस, इसे कहते हैं बोझा. हाँ, भारी लगा है भैया? भारी तो लग रहा है, भारी लग रहा है इसलिए तो तूने नहीं उठाया है. हाथ भी खराब हो जाएंगे, हेयर भी खराब हो जाएंगे, ऐसा बहाना मारा है गाइस इसने. गाइस मैं उठा लेती पर मेरे बाल में है ना फिर वो टूट टूट के गिर जाता ना, तो फिर वो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता. अगली साल आई थी खुशबू ने तो थोड़ा सा उठाया था तो उसके बाल खराब हो गए थे ना. हाँ, फिर है ना बहुत दिनों तक है ना उसके छोटे छोटे पीसेस है ना मेरे माथे में घूम रहे थे. खुशबू क्या है, मेरा पैंट बह रहा है थोड़ा सा ऊपर कर कर कर. पकड़ के मत चल, क्या समझेंगे लोग. कुछ नहीं कि पैंट बह रहा है. अब घर पे जाऊंगा ना. हाँ, तो बेल्ट लगाऊंगा. गाँव के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं ना. बहुत ही करते हैं, हमें लगता है कि गांव में है ना लोग मेहनत नहीं करते होंगे, पर गांव के लोग है ना हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं. अरे 100 गुना ज्यादा. वही तो, दिन भर खेत में रहने का, फिर रात को घर पे आते खा पी के फिर से मतलब जो घर का काम होता है वो करते हैं, सुबह घर का काम करके जाते हैं खेत में. बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो लोग. खेत में जो काम करते हैं ना, हाँ, उसकी फिटनेस बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है. हाँ, हमारे दादा दादी इतने ओल्ड एज के हो गए तो भी है ना वो हमसे ज्यादा फिट है. खेत में जाने के बाद मेरा चप्पल का हालत देखो. कैसे तोड़ देना है चप्पल? खेत में जाने के बाद मैं क्या करूँ, टूट गया तो टूट गया. तो पहन के नहीं जाना चाहिए था ना बहन, ऑलरेडी इस गांव में आकर है ना तूने ना 2 चप्पल तोड़ दिया, ये तीसरा चप्पल है तेरा. पर मेरे पास यही चप्पल था मम्मी, मैं क्या करूँ. अब इसको है ना वो 100 रुपए वाला खरीद के देना जो आपके पास है ना 100 रुपए वाला, वो ब्लू कलर का वैसा ही. आई डोंट डिजर्व दैट. वे खुजली हो रही है शरीर में. मुझे भी हो रही है. मम्मी पता है क्या बोल रही है? क्या? H&M के पहन के जा खेत में काम करे. मम्मी सच्ची में उसने पूरे कपड़े का क्या हालत किया है देखो गाइस. देखो कोई कहेगा
ब्रांडेड है ये, कोई नहीं कहेगा। फाइनली 3-4 घंटे है ना खेत में दादा जी के साथ है ना टाइम बिताने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। यहाँ पर हम लोग आए हैं ना तो सिर्फ हम लोग है ना घूम ही रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं और सिर्फ नाम का काम कर रहे हैं। पायल तो यहाँ पर आकर है ना बहुत ही बड़ी आलसी हो गई है गाइस। कुछ आलसी नहीं हुई हूँ, ठीक है, एक भी काम नहीं कर रही है। मम्मी को तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है, सिर्फ फोन पकड़ रही है और बहुत सारे ना वीडियोस देख रही है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, मेरे लायक कोई काम ही नहीं है। तेरे लायक कौन सा काम होता है ये जो बता, मैं कर सकूं। कौन सा काम होता है वो बता ना। अब मैं बोझा ढो नहीं सकती, चूल्हा पे खाना मुझे थोड़ा थोड़ा ही बनाना आता है, तो उसका मैं रिस्क नहीं लूंगी। तो मुझे क्या ही करूँ मैं इधर। एक बात बताऊँ, कोई कह सकता है इस लड़के के 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। हम लोग इतने अच्छे से बन के चल रहे हैं और इसको देखो। 7 दिन जो है वो बिहार में रहने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद और यहाँ से जाने का हमको मन नहीं कर रहा है। और पायल जो है फुल ऑन गुस्से के मोड में है क्योंकि इनकी पढ़ाई जो है यहाँ पे रहकर है ना बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। तो बिगड़ेगी नहीं तो आज निकल रहे हैं ना बहन, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो 22 तारीख को बोला कि आज निकलेंगे, 23 को बोला कि आज निकलेंगे, आज 24 हो गई। अरे लगता है गाइस ये IAS ऑफिसर बनेगी, जितना इसको पढ़ाई पसंद है ना मुझे काम पसंद नहीं है। आज मम्मी सारी बुराइयां बता दो गाइस को इसके बारे में। मेरे को रहने का इधर मन करता है तभी नहीं रहने देती है। और तो मुझे भी इधर रहने का मन नहीं कर रहा है तो क्यों इधर रख रही हो, ले जाओ मेरे को उधर। तू चली जा यहाँ से, मैं फ्लाइट की टिकट करा देता हूँ, है ना। अगली बार से ना दीदी कोई भी ट्रिप पे नहीं आएगी। हाँ नहीं आऊंगी मैं। वही तो, हमको जैसलमेर घूमना था इसकी वजह से हम लोग जैसलमेर नहीं घूम रहे। जाते ना तो जैसलमेर क्या सब जगह घूम लेते, थोड़ा सा दादा दादी के साथ नहीं रहती है। सीवा के दो राधे। फुल ऑन टाइम पास कराता है ये लड़का हमारा, फुल ऑन। अब देखो दरवाजा बंद करेगा और फिर खोलेगा, देखना सीवा। यहाँ पे बन रहा है हमारा बिहार का सबसे फेवरेट जो है वो फेमस लिट्टी। और गाइस ये हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आते समय ना हमको है ना रास्ते में कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल रहा था और ये वाली चीज है ना 3 दिन तक चल जाती है ना मम्मी। हाँ। इसलिए ना मतलब हम लोग है ना पहले से मतलब सब कुछ अरेंज करके रख रहे हैं ताकि ना हमको कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। सिवा एक भी दिन है ना इस लड़की ने ना मतलब छठ पूजा को छोड़ के ना इस गांव में ना एक भी दिन इस लड़की ने खाना नहीं बनाया, लेकिन आज इसको है ना अहमदाबाद जाना है तो देखो कितना फास्ट फास्ट है ना खाना बना रही है। फास्ट खाना बनाऊ नहीं, मुझे जल्दी जाना है बस। बस जैसे तैसे करके ना 5 बजे से पहले जो है इसको इधर से निकलना है ना भाई। हमारी खुशबू जो है वो फुल ऑन कुछ भी मतलब टेंशन नहीं लेती है ना। हाँ पता है गाइस मेरा होमवर्क वो सब कुछ बाकी है पर मैं टेंशन नहीं लेती क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हो जाने वाला है, मैं कर लूंगी, तो टेंशन किस बात की। पर इसको है ना अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। पायल तू है ना 4-5 दिन रह भी जाती है तो तेरा कुछ बिगड़ जाने वाला नहीं था, तुझे बड़ा पता है। गाइस अपकमिंग IAS ऑफिसर या फिर CA या फिर डॉक्टर, इसी एक चीज में तो ये बहुत ही आगे निकलेगी मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं। ये अच्छी बात है कि पढ़ने के लिए मतलब ऐसा रहता है उसके अंदर कि हाँ मुझे पढ़ना है, पर इतना भी नहीं पढ़ने का कि पढ़ते ही रह जाने का। क्या तो मम्मी ले जाएगी तब मैं पढ़ूंगी, मैं तो 3 दिन से बोल रही हूँ कि निकलो तब जाके आज जा रही हूँ। तो अपने बुक्स भी तो लाई, तो रिवाइज कर सकती है। मैं बुक्स नहीं लाई हूँ, ठीक है, आप लेके आई हो दिवाली होमवर्क। अभी मैं ना ये सनेल का फूल जो होता है वो तोड़ने आई हूँ। अहमदाबाद में जाके हम लोग इसकी सब्जी पकोड़े वो सब बनाएंगे क्योंकि है ना ये अहमदाबाद में मिलता नहीं है, इसीलिए है ना मैं अभी तोड़ के लेके जा रही हूँ। इस वाले चीज को है ना तोड़ने का होता है, देखो गाइस। और इधर हमारी अभी सरसों की खेती हुई है, आप देख सकते हो कितना मस्त। गाइस फाइनली अब हम लोग है ना गांव से अहमदाबाद जाने के लिए ना रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे ना हम लोग है ना सारी की सारी चीजें जो है वो पैकिंग कर रहे हैं, बस 1-2 घंटे में ना अब यहाँ से हम लोग है ना निकल जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ से है ना जाने का, पता नहीं कैसे ये 7 दिन इतनी जल्दी जल्दी जो है मतलब खत्म हो गए, काश ये और मतलब लंबे होते दिन। मम्मी कैसा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वही तो मम्मी है ना अपने घर मतलब ना अपने नहियर भी है ना अच्छे से नहीं रह पाई, ये पायल की वजह से। पायल है ना हमको यहाँ से जल्दी ले जा रही है। कोई बात नहीं भैया, हम लोग है ना पूरे 1 महीने के लिए है ना इधर रहेंगे, वो भी हमारे समर वेकेशन के वक्त,
हाँ पायल, समर वेकेशन में ना तू कोई भी ड्रामा मत करना प्लीज। उस टाइम है ना मेरा सब कुछ हो गया होगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। अगर तू है ना डॉक्टर, आईएएस और इंजीनियर या फिर सीए नहीं बनी ना कुछ भी एक, तो देख लेना जितना तू मतलब पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे रही है तो कुछ बन के दिखा भी देना, ठीक है? तो मेरे को लगातार पढ़ने भी तो दो। 7 दिन सिर्फ इसका बिगड़ा है, उसमें से 5 दिन तो छुट्टी है, सिर्फ 2 दिन बिगड़ा है ना इसका मतलब पढ़ाई का, तो देखो कितना मतलब इसने ना मतलब पूरा घर अपने माथे पे ले लिया है। 2 ही दिन बिगड़ा है। यस, उतना मेरा भी बिगड़ा है, पर मैं तेरे जैसा नहीं हाव हाव करता रहता हूँ। और गाइस मेरी पूरी की पूरी छुट्टी बिगड़ चुकी है इसके वजह से, मुझे ये रहना नहीं दे रही गाँव में। इसने ना जैसलमेर का ट्रिप भी हमारा कैंसिल करवा दिया, लेकिन हम त्रिवेणी संगम में नहाएंगे, है ना। तो गाइस फाइनली हम लोग गांव से जो है वो निकल गए हैं अहमदाबाद जाने के लिए, और दादा दादी को है ना हमने बाय बाय कर दिया है, और बहुत ही जल्दी है ना हम गांव फिर से आएंगे। गांव से एक बार है ना मतलब हम है ना आते हैं ना तो है ना वहां से जाने का हमारा है ना इच्छा ही नहीं करता। पता नहीं गांव में क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है वहां का जीवन, लेकिन हमें कुछ मतलब करना है तो अच्छी जगह पे हमको रहना पड़ेगा। हमारे गांव में उतनी सुविधा नहीं है, अहमदाबाद में मतलब थोड़ा सा है, मतलब जो हम काम करते हैं उसके रिलेटेड वहां पे अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो हमको है ना जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई भी नॉर्मल सा जॉब करते तो मैं तो है ना गांव में ही रहता है ना। मुझे भी है ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं गांव से जाऊं, पर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी पढ़ाई भी है। पायल इसकी स्माइल देखो गाइस, इसकी स्माइल देखो, पूरी की पूरी पत्ती सी इसकी दिख रही है। देखो आप लोगों की तरह मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब हम अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे ना तो खुद आएंगे गांव घूमने के लिए, पूरे 5 महीने के लिए, है ना। नहीं 5 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। जय श्री राम। एक बार बोलो प्रेम से गंगा मैया की जय। तो गाइस यहाँ पे है ना एक माझी में है ना गंगा मैया जी है ना बहती है, तो उसके अंदर है ना पायल ने ना सिक्के फेंके, पता नहीं उसकी क्या मतलब कुछ विश मांग के ना उसमें सिक्का फेंका है, देखते हैं पूरी हो पाती है कि नहीं। अगर हो जाएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस कल रात को इतनी जोर से हमको है ना सभी लोगों को नींद आई ना, जिसको जहाँ पे जैसा जगह मिला ना वो जगह पे है ना सो गया। मैंने तो बहुत ही चालाकी की, खुशबू को बोला कि प्लीज खुशबू है ना 1 घंटे है ना मुझे है ना पीछे वाली सीट पे है ना सोने दे, मतलब पैर फैला के। तो खुशबू ने बोला मेरे पर दया खा के कि आ जा भैया, और उसके बाद 5 घंटे मैं सोया हूँ पीछे वाली सीट पे, उसको आने ही नहीं दिया, मैं हटा ही नहीं। और गाइस अभी है ना मतलब सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन देखो कितना मतलब ये कोहरा कोहरा दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ये तो हमारा ग्लास खराब है, लेकिन अब देखो इतना कोहरा यहाँ पे दिख रहा है ना गाइस। अब है ना सारे फेस्टिवल्स जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना मतलब वो फिनिश हो चुके हैं, अब तो नेक्स्ट ईयर ही आएंगे। अब है ना इंतजार रहेगा अब हमारे बर्थडे का, क्योंकि अब बर्थडे आ रहा है मेरा और खुशबू का। सो क्या क्या हम लोग करेंगे वो हम है ना जो करेंगे ना आपको बताते रहेंगे। इस बार मतलब कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं करेंगे, लेकिन बर्थडे तो सेलिब्रेट करेंगे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ना प्रयागराज का, क्योंकि प्रयागराज में है ना हम लोग है ना त्रिवेणी संगम में है ना नहाने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। और मतलब डर भी लग रहा है इतनी ठंडी में कैसे नहाएंगे, क्योंकि वहां का पानी तो बहुत ही ज्यादा है ना ठंडा रहेगा। स्टार्ट किया है ना तो इस लड़की ने ना कुचुड़ कुचुड़ खाना है ना बंद कर दिया है, वो ना इतने जोर जोर से है ना आवाज कर कर ये खा रही थी ना कि पापा ने इसको पता है क्या बोला। बोल दी। नहीं अभी पापा ने मुझे मना बोला है बोलने के लिए ना, खा ना बहन जैसे पहले खा रही थी वैसे खा ना। वो तो मैं ऐसे खा रही थी। है ना संगम पहुंच गए हैं जहाँ पे गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती माता जी मिलती है। सो गाइस यहाँ पे है ना भैया, खुशबू, मम्मी पापा जो है आ चुके हैं यहाँ पे, वो लोग सेकंड टाइम आए हैं और मैं जो है फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ। जब इन लोगों ने मुझे फोटोज दिखाया था, वीडियोस दिखाया था ना, तब मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि ये लोग मुझे क्यों नहीं लेके गए, और मुझे ऐसा हो रहा था मैं क्यों नहीं गई। इसलिए मतलब अब यहाँ पे हम लोग जो है आ चुके हैं फाइनली, आप देख सकते हो। और मुझे नहीं पता कि मैं है ना इधर इतने ठंडे पानी में कैसे नहाऊंगी। हाँ, और क्योंकि ठंडी का मौसम है तो
ऑफ कोर्स जो पानी होगा वो ठंडा ही होगा। हम पहले भी आए थे ना, तो ऐसे विंटर सीजन में आए थे, तो तब तो बहुत ही पानी बहुत ही ठंडा था। फाइनली हमने ना अपने अपने कपड़े जो है वो निकाल लिए है, ये रहा, और फर्स्ट टाइम में है ना पब्लिक में है ना नहाने वाला हूँ। पिछली बार भी मैं आया था ना यहाँ पे, तो मैंने नहाया नहीं था, सिर्फ मैंने देखा था, सिर्फ ये लोग नहीं नहाया था, लेकिन इस बार मैं नहाऊंगा। और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तूने 50 बार बहन बोल दिया कि मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ तो हूँ, तो इसीलिए तो बोल रही हूँ। हम लोग को तो लगा था ना कि यहाँ पे ना थोड़ा भी भीड़ नहीं होगा, लेकिन इधर कहीं ट्रैफिक देख के लगता है ना कि बहुत ही ज्यादा भीड़ होने वाली है ना। खुशबू बाप रे, वो सामने तो देख, वही तो इतनी इतनी गाड़ियां दिख रही है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है गाइस इस बार। तो हम लोग जो घाट आपको पहले दिखाए थे ना, वो बाहर का घाट था, अंदर का घाट तो अब आया है। वही तो, वो नहीं, वो बाहर का घाट नहीं था, वो गंगा घाट था। यहाँ पे ना यमुना जी और सरस्वती जी और कौन से गंगा जी तीनों मिलते हैं, ये मेन घाट है। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस बस तुम बैठ, ऐसे बैठ, बैठो बैठो, ए मेरा चुपचाप बैठ, पैर ऊपर कर लियो, मैं नहीं जाने दूंगा। अरे डाल डाल, बोलो बोलो गंगा मैया की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने पायल, खुशबू और मम्मी और पापा ने है ना वो गंगा जी यमुना जी में है ना नहा लिया है, और बहुत ही मजा आया नहा कर। अभी है ना वो लोग गए हैं कपड़े चेंज करने के लिए, जहाँ पे महिलाएं जो है वो कपड़े चेंज करती है। मेरे और पापा के लिए ना यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए ना हम लोग अपनी कार में ही है ना चेंज कर रहे हैं। अब है ना यहाँ से कपड़े चेंज करने के बाद हम लोग है ना रेडी होकर है ना फिर बैठेंगे नाव में। हमने तो सोचा था ना कि पानी जो है वो एकदम ही है ना बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा, लेकिन पानी जो है यहाँ पे ना बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, बहुत ही मजा आया नहाने का। वहां से निकलने का तो हमारा है ना मन ही नहीं कर रहा था। खुशबू तो बोल रही थी और पापा पांच मिनट। खुशबू कैसा लगा नहा के? अरे भैया बहुत ही मजा आया, ऐसा मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि मैं उधर से निकलूं बाहर, पर मम्मी पापा ने ऐसा डांटा, मुझे ऐसा डांटा कि बाहर निकलना पड़ा। वही तो, ये पायल तो इतनी डुबकियां मार रही थी, इतनी डुबकियां मार रही थी। है पायल, जितना मेरे से मारा गया उतना मैंने मारा है। वही तो,
मुझे... अब तेरे ना सारे पाप जो है ना वो धुल गए गंगा जी में, अब पाप मत करना ठीक है। गाइस अब हम जा रहे हैं नाव में बैठने के लिए। नाव में तो हम कब के बैठ चुके होते, लेकिन ये दोनों लड़कियां और मेरी माँ इतना तैयार हो रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पे ना हमारे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले हमसे, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अगर आप मुझे देखो तो प्लीज ना हमसे मिला करिए, है ना। क्योंकि ना बहुत सारे मतलब ऐसे लोग होते हैं जो देखते पर आते नहीं। हाँ हम कुछ नहीं बोलेंगे आप लोगों को, आप आओ हमसे मिलो, हमको अच्छा लगता है। चलो रुक जाओ, मुझे जाने दो, जाने दो, आओ आओ। इस साइड बैठना खुशबू। कर शांति से बैठ। आर यू हैप्पी? यस आई एम वेरी 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 हैप्पी। और पता है गाइस ये बोट ऐसे ऐसे हो रहा है, एसी एसी बोट ऐसे ऐसे होता है, कोई ऐसे ऐसे नहीं होता। जल्दी ले चलो भैया, चली चली चली, पकड़ लेना। हां नहीं गिरेंगे। वाओ व्हाट अ व्यू। बोलो गंगा मैया की जय। अभी कोई चिड़िया नहीं आने वाली, जब आएगी ना तब डालना। कहीं भी जाओ इनका तो फोटो सेशन स्टार्ट ही हो जाता है। हाँ। इनका तो अलग से ही ना 500 फोटो होता है कहीं भी जाओ तो। अरे चिड़िया जल्दी आओ, मुझे दाना खिलाना है। अरे हमको क्या दिखा रही है, वहाँ पे व्यू दिखाना। तुम भी दिख रहे हो, व्यू भी दिख रहे है। आएगी चिड़िया तब खिलाना। क्या चिड़िया आएगी तब खिलाना। मैं अभी से डाल रही हूँ, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। ये आ गई, आ गई चिड़िया, आ गई चिड़िया, आ गई चिड़िया, आ गई। आओ 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 दिखा, वहाँ दिखा, वहाँ दिखा। आओ 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 आओ, दाना खा के जाओ जाओ। खुशबू अब तू खिला खिला। आओ आओ बुला ना ऐसे, आओ 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 खिला। आ रही है, बोला बोला, आओ 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 तब आएगी। उधर दे दिया वो अपना काम कर रही है। आओ आओ कर। अरे वो दीदी एलजे में होता है ना, वो अमरीश पुरी बोलता है आओ आओ ऐसे। आओ 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 दाना खा के जाओ जाओ जाओ। डाल डाल डाल, मैं ऐसे करूंगी ऐसे पकड़ के। ए देखियो मेरा दादी नहीं पहुंच रहा। आगे आ जा, आगे आ जा, मैं उधर आऊंगी। इधर आ खुशबू, आगे 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 जा, आगे जा, इस साइड है। अरे उस साइड फेस करना, ये जय गंगा मैया। उस साइड गंगा जी है। यहाँ पे दो कलर का पानी आपको दिख रहा होगा, एक जो है वो है व्हाइट कलर का और एक जो है वो ग्रीन कलर का है। ये है यमुना जी और वहाँ पे है गंगा जी। एक बार बोलिए प्रेम से गंगा मैया की जय। सो गाइस गंगा जी में नहाने के बाद इतनी जोर से नींद आई, इतनी जोर से नींद आई है ना, यहाँ पे मस्त मैं है ना 2 घंटे है ना पैर फैलाकर है ना सोया हूँ और बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। अब भैया रात को नहीं सोएगा तू, ठीक है खुशबू रात को है ना तू सो जाना, क्योंकि है ना एक एक करके सोएंगे ताकि है ना पापा के साथ जगने वाला ना इंसान है ना रहे। अभी दीदी बोल रही है कि मैं ना 6 से 7 सोऊंगी आराम से पीछे। अच्छा सबका ना टाइम डिवाइड कर दिया कि कौन आएगा पीछे। हाँ और उसके बाद 7 बजे के बाद मैं सोऊंगी पूरी रात। ठीक है भाई, ये तो ये वाली जगह ना खुशबू ने अपने नाम पे कर ली है गाइस,
इधर है ना किसी को आने नहीं दे रही, उसकी परमिशन से ही आ रहा है कोई भी आ रहा है तो। हाँ तो फिर भाई सब लोगों ने है ना नींद जो है ना एक एक करके है ना ले लिए, अब किसी को है ना नींद नहीं आ रही। लेकिन गाइस हम जब भी कार से ट्रैवल करते हैं ना तो इतना कंटाला आता है ना, इतना कंटाला आता है ना कि क्या ही बताऊं। एक ही जगह पे ना 4-5 घंटे जो है वो बैठना पड़ता है, मतलब कुछ भी हम कर ही नहीं सकते। कितना इन लोग से मैं बात करूं, मैं तो पक चुका हूं इन लोग से है ना बात करते करते, लेकिन जैसे तैसे करके है ना मतलब है ना हमको अहमदाबाद पहुंचना ही पड़ेगा इस कार से। देखते हैं मतलब कब तक हम पहुंचेंगे। अभी कल से हम लोग निकले हैं बिहार से, लेकिन है ना हमने कुछ भी मतलब ज्यादा ड्राइव किया ही नहीं है, ऑलमोस्ट है ना 300-400 किलोमीटर ही हमने ना ड्राइव किया है। देखते हैं अब हम कब तक है ना पहुंचेंगे। और अभी जो है वो अंधेरा हो चुका है, ऐसी गाड़ी में बैठकर है ना आराम से चले ही जा रहे हैं।